तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। बिल वापस लिया लेकिन देश बचा लिया, खुद हार गए लेकिन देश को जिता दिया। ताल मिलाकर हर कोई बोले तो ठीक, वरना वो बेवकूफ है। जय जी, शाहीन बाग में आ जाना था, तुम्हारा इलाज कर देते। हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी गोदी मीडिया की करते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संदेश में साफ कर दिया है कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इसके बाद किसान आंदोलन में एक जश्न का माहौल देखने को मिला। इतने महीनों से मीडिया ने इस किसान आंदोलन को काफी कुछ कहा था, तो देखते हैं कि सरकार के इस फैसले के बाद मीडिया में किस तरह का माहौल है। थोड़ी तपस्या और करनी थी, वापस क्यों ले लिया? आप एक साल से बैठे हैं ना, तो हमें भी तो दर्द है। अब जो आपने मनवाना था वो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दे दिया। वर्ष 1975 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दीवार, और उस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, आपने भी सुना होगा, आज खुश तो बहुत होगे तुम। हमारे देश में भी एक वर्ग ऐसा है जो आज खुश तो बहुत होगा। द मैसेज इज नेशन फर्स्ट। फार्म लॉस कैन वेट, बट एक्सपोजिंग दोज एंड आइसोलेटिंग दोज हु यूज द फार्म लॉस टू ट्राई एंड टेयर आवर कंट्री अपार्ट कैन नॉट। बिल वापस लिया लेकिन देश बचा लिया, खुद हार गए लेकिन देश को जिता दिया। देश ना झुके इसलिए खुद झुके, देश को राजनीति और राष्ट्र नीति का फर्क समझा दिया मोदी ने, राजधर्म निभा दिया। इस बार चुनाव लड़ेंगे क्या? ना हम नहीं लड़ते, चुनाव आप लड़ देना। चुनाव चुनाव तो सारे जो एंकर है ना ये लड़ेंगे चुनाव सारे। अच्छा, जो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हो ये लड़ेंगे। सरकार बात नहीं कर रही, एंकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन करे। मीडिया एंकर को सरकार का पक्ष लेने पर विपक्षी नेताओं के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इंडिया टीवी के डिबेट में हुआ, जब कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे रहे थे तो एंकर ने उन्हें टोका, जिसके बाद प्रवक्ता ने एंकर को सुनाना शुरू किया। आप मुझे डायरेक्ट नहीं करेंगे, मुझे किससे सवाल पूछना चाहिए? आप अपनी भक्ति बंद कीजिए प्लीज सर, बहुत हो चुका, ये गोदी मीडिया बंद करिए। चलिए आप की बात मत कीजिए, आपसे सवाल पूछे जाएंगे आप जवाब नहीं देना चाहेंगे। आपके जैसे कुछ कहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी मीडिया के जरिए आप प्लीज सर इस तरह की बातें मत कीजिए सर। आप तो क्रॉस क्वेश्चन करूंगा तो आपको चुप जाता है। देश के साथ मैं करूंगा सर, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए ना। जवाब देने की हिम्मत रखिए। आप गोदी मीडिया कहेंगे लोगों को, सिर्फ आपके सुर में सुर मिलाकर ताल मिलाकर हर कोई बोले तो ठीक, वरना वो बेवकूफ है। जय जी। गोदी मीडिया के डिबेट के मुद्दे हिंदू मुस्लिम जैसे ही होते हैं, ऊपर से डिबेट में आपसी सहमति कम और झगड़ा ज्यादा ही होता है। न्यूज 18 की डिबेट में कपिल मिश्रा और शोएब जमाई के बीच बहस हो गई, जिसके बाद शोएब जमाई ने कपिल मिश्रा को जूता दिखाना शुरू कर दिया। ये याद रखना, ये सामने गाली लेने वालों की दुकान बंद हो चुकी है। जाफरा इस बात को अच्छी तरह याद रखना, का जितना बड़ा नुकसान किया वो सुन लो।
जाफराबाद में चंद औरतों के सामने यहाँ से दादागिरी करने वाले अपनी औकात थी तो शाहीन बाग में आ जाना था, तुम्हारा इलाज कर देते। और ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो बदतमीजी? शोएब के भाई नहीं, कपिल मिश्रा, ये झूठा शोएब जवाई, ये बदतमीजी है। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी शोएब जवाई, ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें, तुम्हारी औकात इतनी है। ये देखो शाहीन आप इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी किया। इस पर भी काफी राजनीति हुई, पर इनॉग्रेशन से पहले इस एक्सप्रेस वे की झलक न्यूज स्टूडियो में 3D ग्राफिक्स के जरिए देखने को मिली। जिस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि फाइटर का रनवे है और जिस जश्न के लिए देश तैयार है, कल जो हौसले की उड़ान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से फाइटर जेट्स भरेंगे, वो जाहिर तौर पर हर एक हिंदुस्तानी को गर्व से भर देगा। जी हाँ, हरकुलिस से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दोपहर 1:30 बजे उतरेंगे। जितनी भी सियासी बातें हो उन सब से अलग ये जो ट्रेलर सामने आया है वो चीन के लिए, हमारे दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है, या यूं कह लीजिए ये ट्रेलर देखने मात्र से दुश्मन थरथरा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयर पोल्यूशन के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मीडिया का एक वर्ग इसका बड़ा कारण किसानों द्वारा जलाने वाली पराली को बताता है। दिल्ली के उदाहरण से ये पता चलता है कि दिल्ली में आज के दिन भी प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 36%। पराली जलने से कितना प्रदूषण दिल्ली में होता है इसको समझिए। 4 नवंबर, जिस दिन दिवाली के पटाखे शाम में फूटने शुरू हुए, 4 नवंबर को पराली से होने वाला प्रदूषण 25% बढ़ता है। 5 नवंबर, जब आप ये दिल्ली में पटाखे फूटने, दिल्ली एनसीआर में पटाखे फूटने के लिए छाती कूट रहे हैं, उसमें पराली का प्रदूषण 35% है, 35%। और अनुमान है कि 6 और 7 नवंबर, यह अनुमान है, अनुमान, यह पराली से होने वाला प्रदूषण बढ़कर 40% हो जाएगा, 40%। 6 और 7 नवंबर को दिल्ली में कोई पटाखा नहीं फूटेगा। 24 अक्टूबर से 8 नवंबर तक का डेटा जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की टीम ने स्टडी किया, और ये पाया कि दिल्ली के प्रदूषण में आधी हिस्सेदारी वाहनों की है, यानी 50% के करीब, ये जो डीजल से पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं उसका धुआं। दूसरे नंबर पर घरों से होने वाला प्रदूषण है, करीब 12.5 से 13.5%। फिर नंबर आता है इंडस्ट्रीज के पॉल्यूशन का, 9.9 से 13.7% की हिस्सेदारी। कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है, सीमेंट और रेत, तो ये सब, रेत तो नहीं, सीमेंट और धूल उड़ते हैं वो सब, इसका हिस्सा है 6.7 से 7.9 के बीच। और पराली जलाने से प्रदूषण हुआ सिर्फ 4.6% से 4.9% तक, यानी 5% से कम। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन की बड़ी वजह पराली नहीं है, और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से ये एयर पोल्यूशन है। आप इस वीडियो पर जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।